मेरे जादू ने अपना जादू दिखा दिया, दुश्मन चाल में फंस गया। अब कैसे बचेगा अलादीन का भूत मुझसे? दिन के भूत से निकलती वो नीली रोशनी अचानक से कहां गायब हो गई? मुझे किसी भी कीमत पे इस अलादीन के भूत को ढूंढना है। चाचा, जीनी मिनी को मदद की जरूरत है और शायद आका को भी। तुम आका के पास जाओ, मैं जिनी मिनी के लिए पानी ढूंढ के लाता हूं। जाओ छोटे जिन। जिनी मिनी, हिम्मत मत हारना जिनी मिनी, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। हाँ, अभी आया, अभी। आका, 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 जीनू, अगर इस तरबूजे ने आका को इस हाल में देख लिया तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे इस तरबूजे का ध्यान भटकाना होगा, इससे पहले जीनू कर दे कोई धमाका, बना दे हमें पटाखा। शुक्र है कारीगरों के सामान में थोड़ा पानी मिल गया। नीली रोशनी मतलब अलादीन का भूत उधर है। चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया के सबसे ताकतवर जिन से बचना नामुमकिन है। जिनी मिनी, जिनी मिनी, तुम्हें होश आ गया, मुझे सुकून आ गया, कैसा लग रहा है? मेरी छोड़ो, आका, आका और चाचा कहाँ हैं? शायद किसी मुसीबत में होंगे, हमें उनके पास चलना चाहिए। चलो। आका, आका उठिए। तुम ठीक तो? और तुम्हारे सर से धुआं कैसे निकल रहा है? चाचा, मुझसे जलोगे तो इसी तरह अंगीठी जैसे दिखोगे।
हमें लगने लगाने का भी 1500 साल का तजुर्बा है झुमरू। कहो तो एक तुम्हें भी लगाएं। ओफो, फिर से लड़ाई। आका ने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दो। आका, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने जीनू को अपने जादू में फंसा के आपको बचा लिया। चाचा, आका तो बच गए, लेकिन आका को बचाने के चक्कर में तुम्हारे हाल बाल और चाल तीनों खस्ता हो गए। अंगूठी छाप। तोली, जीनू के आने से पहले हमें फौरन महल निकलना होगा। बेटे की दुम, बाल झड़ना, मियां बीवी का लड़ना, एक उम्र के बाद बच्चे का गोद में बैठना सब रुक जाता है, लेकिन मुसीबतों का नारियल सर पे पड़ना नहीं रुकता। टोली, चलो कालिंग निकालते हैं। लेकिन जितना भी चाहते रहो मुझसे नहीं बच पाएगा। आज तो अलादीन के भूत की किस्मत अच्छी थी, लेकिन आगे न ही इसकी किस्मत अच्छी होगी न ही उसका हाल। आज यहां जो कुछ भी हुआ जाके आगा को बताता हूं। यकीन है कि वो अलादीन का ही भूत था? यकीन? पूरा यकीन है वजीरे आला। वो बातों से, लातों से, दांतों से, हर तरह से भाई मेरे भाई अलादीन का भूत ही था। क्या बकवास कर रहा हूँ? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं वजीरे आला, सच कह रहा हूँ। वजीरे आला, उसे सबके सब राज पता है, उसे ये भी पता है कि मेरे अब्बू चप्पल चोर है। उसे ये तक पता है हुजूर कि मेरी बीवी के अब्बू कोई रहीस आदमी नहीं है। और उसे ये भी पता है वजीरे आला कि जिस रात में सोने से पहले ज्यादा पानी पी लूं उस रात में बीच। खैर छोड़िए ये सब। हुजूर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने यह कहा था कि उसकी बर्बादी में मेरे अम्मी अब्बू का हाथ भी था, उसने ऐसा क्यों कहा? और वजीरे आला, वो आपके किसी राज की बात भी कर रहा था। आपका क्या राज है मुझे बताइए। हमारा राज तो बहुत दूर की बात है, हम तो मैं अपने जूते का नाप तक ना बताएं। सोन मीनार पे जो कुछ भी हुआ उसकी खबर तुमने हमें दे दी, किसी और को बताया तो अच्छा नहीं होगा, समझे? भूत हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है, अब हम सब क्या करेंगे? सोचो सोचो। घबरा मत नन्हे बकरे, मेरा मतलब है नन्हे बच्चे। जब वो भूत मेरे सामने आया तो मैंने क्या किया? मैं घबराया नहीं, बहादुरी से उसका सामना किया। बहादुरी? पर आप तो आलू और सड़े टमाटरों से पिट के आ गए। बहुत अच्छे सड़े।
क्या कहा बकरी के बच्चे? मेरे ये टमाटर ये सब तो मजाक मजाक। असल में जब वो भूत मेरे सामने आया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, घबराने लगा, मेरे पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं जाबाज बहादुर ताकतवर रुस्तम ए बगदाद हूं। मजाक। हंसने की बात नहीं है। जिस तरह हमारी दुनिया में इंसान होते हैं उसी तरह दूसरी दुनिया में रूहें होती हैं, और उनमें से एक रूह हमारे बीच में आ चुकी है। हमारे बीच अब हम में से कोई नहीं बचेगा। बेगम, मेरे बताने ना बताने से किसी को फर्क पड़ता ही नहीं। अब वाकई कोई बचने नहीं वाला, क्योंकि पूरा बगदाद पहले से ही भाई मेरे भाई अलादीन के भूत की बातें कर रहा है। करने दो। करने दो। लेकिन देखो, अगर इस बात को, इस खबर को तुम, तुम्हारे घर वाले हवा नहीं देंगे तो ये बात, ये खबर खुद ब खुद दफन हो जाएगी। चाओ। मतलब आदाब। क्यों इस चराग के जिन ने हमारे हुक्म की तामील नहीं की? क्यों उसने उस अलादीन के भूत को सोन मीनार में दफन नहीं किया? जीनू तो बिरयानी की डेग की तरह मुझे खत्म करने के पीछे ही पड़ गया था। वो तो कहो तुम चारों मेरे साथ थे। चारों? तुम तीनों और किस्मत। लेकिन किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देगी। इसका मतलब भूत भूत खत्म? ये बाजी हमारी जीत के साथ खत्म होगी, और अभी हम जीते नहीं हैं। तो आका, हम जीनू का सामना कैसे करेंगे? हम दो हिस्सों में बटेंगे। हम में से दो जीनू को संभालेगा और दो खेल आगे बढ़ाएगा। मेरा साथी कौन बनेगा? देखते हैं अंगूठी छाप। जरूरत पड़ने पर हमें किसी भी वक्त अपना खेल बदलना होगा, तो तैयार रहना। इसलिए एक दूसरे की मदद करो, होशियार रहो और सब पे नजर रखो। लेकिन फिलहाल के लिए सो जाओ, कल बहुत कुछ करना है। किस्मत साथ दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तीनों मेरा साथ हमेशा दोगे। जफर के चेहरे का नकाब बहुत जल्द पूरे बगदाद के सामने उतरेगा। कल रात शहजादी बेहतर हो रही थी, फिर आज सब वैसी का वैसी। क्या वैसी? क्या कहा तुमने अभी? सब वैसी का वैसी। मतलब इससे पहले क्या कहा? रात रात में क्या? अच्छा तो ये पूछिए ना, कल रात को शहजादी ने अपना हाथ हिलाया था। क्या? मैंने देखा, रुखसार खाना नहीं भी। या अल्लाह, इतने अरसे बाद इतनी अच्छी खबर सुनी।
बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। है ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैंने वजीर आला को खबर दी थी, वो तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, वो खुशी के मारे ना बिल्कुल आपके जैसे उछलने लग गए थे। मैं कब उछला? देखो खबर अच्छी है लेकिन वक्त से पहले इतना खुश मत हो। शहजादी ने सिर्फ एक हाथ हिलाया है, जिस दिन पूरी हिलेंगी ना, क्या मेरे में प्रतिज्ञा है कि जिस दिन पूरी ठीक हो जाएगी तब देखेंगे। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। अजीब इंसान है, एक ही पल में हमदर्द और एक ही पल में सरदर्द। इंसान ना मेरे समझ के बाहर है। अल्लाह, जितनी जल्दी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये बात किसी और से पता चले, मैं ही आपको बता देता हूं। मैंने भाई मेरे भाई अलादीन की रूह को देखा। अलादीन की रूह कैसे? चाची जान, मैंने ही नहीं, अम्मी, अब्बू, मेरी गुल्लू ने भी देखा। चाची जान, वो बहुत गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि उसे रोक पाना मुमकिन होगा। चाची जान, मैं जानती हूं तुझे जिस जुर्म की सजा मिली तूने नहीं किया था। मैं जानती हूं तू दर्द में, मैं ये भी जानती जो तू कर रहा है उससे तेरा दर्द कम नहीं होगा, तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरों को परेशानी देने से परेशानी कम नहीं होगी। वापस चला जा मेरे बच्चे, चला जा। वापस कीजिए, मत रोइए, बस। अलादीन की रूह बदला लेने आई है वजीरे आला, वो खून की प्यासी है। हमने उसके साथ किया है, अब वो वही हमारे साथ करेगा। शायद ये कमजोर सच ही कह रहे हैं। वैसे हम पूरी कायनात के होने वाले बादशाह हैं, हम जो कह दें वही सच होता है।
आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बगदाद के इस दरबार में गलत फैसला हुआ, हमसे गलती हुई, या आप सबकी चहेती शहजादी ने एक मासूम को सजा सुनाकर गलती कर दी? तो ऐसा नहीं किया तो फिर आप किस बलबूते पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भूत किसी का बदला लेने आया है? वो लड़का हमारे मरहूम बादशाह सलामत, हमारी शहजादी और हमारे बगदाद की खुशियों का कातिल है। वो कातिल था और कातिल है। उस वक्त जब वो जिंदा था हम खाक उससे डरे, तो अब उसके भूत से हम क्यों डरे? क्या कहते हो, हम क्यों डरे? इत्मीनान रखिए, आपके वजीर आला आपके साथ हैं, जाइए। वाह वजीर आला, बहादुर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ना। लेकिन एक बात बताइए, आप अलादीन के भूत का सामना कैसे करेंगे?